أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد. وعلى آله وأصحابه أجمعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد فاوض بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم محترم حضرات وخواتين برفتن دارمي फितने की पहचान और उनसे बचाव के सिलसिले में गुफ्तगू चल रही है आज हम मालूम करेंगे कि माल का फितना क्या है हजरत अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बारहा कई पैरायों में कई मकाम पर यह फरमाया कि तुम्हारे माल तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है इनम अमवाल उलाद फितना कल हमने मालूम किया कि इनको अल्लाह ताला ने बहुत अज़ीम फ़ितना करार दिया और दुश्मन भी बताया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसलम ने हदीस शरीफ़ में फरमाया फ़रमायाली कुल उम्मत इन फितना यकीनन हर उम्मत का एक ख़ास फ़ितना है व फितना तो उम्मती अलमाल और मेरी उम्मत का ख़ास फितना है माल तो माल का फितना इस उम्मत का ख़ास फितना है ये मुसद अहमद की सही रिवायत है हजरत माल इस उम्मत का ख़ास फितना है बिन मान रही अल्लाह तु से मरवी हदीस तबरानी की सही रिवायत है जाम सही की आप सरमाया फ़ी माल फितना आदमी के माल में बड़ा फितना है और इसको इंसान के महबूब तरीन चीज़ों में दाखिल कर दिया गया इमरान की आयत है जुगन शहवासाबन वातमुरातमिनबीफ वल़िल्मत वनआम वालयात दुनिया व्ल हसन आब इंसान के दिल में इन चीजों की मोहब्बत दाखिल कर दी गई है ये शहवात का फितना है ये हब्ब शहवातमसा औरतों का फितना वल बनीन औलाद का फितना वल कनातीर वाली वल फिद्दा और सोने चांदी का ढेर सारा बेहतरीन सवारी बेहतरीन बंगला बेहतरीन घर और बैंक बैलेंस इन चीज़ों की मोहब्बत दाखिल कर दी गई है और अल्लाह ने फरमाया मताउल हयात दुनिया ये दुनिया भी जिंदगी का सामान है अल्लाह के पास बेहतरीन अजर सवाब हैं इंसान माल का बड़ा हरीस वाक़ हुआ है लिहब्बलिला शदीद बड़ा शदीद है खैर यानी माल के मोहब्बत के लिए फजर में अल्लाह ने फरमाया तो हब्बन जम माल को बहुत जम के चाहते हो और अल्लाह के रसूल ने इस तल्लुक से हदीस में फरमाया लौकान आदम वादिया माल अगर माल के दोस्त वादी भर के हो तो लब तगा सा सालिा आदम तीसरे की भी तमन्ना करेगा और ये मिट्टी का बना हुआ इंसान के ख्वाहिश को मिट्टी ही खत्म कर सकती है जब तक वो खबर में ना जाए मुखारी की रिवायत नबी ने फरमाया इंसान बुरा होता है मगर दो चीजों की महब्बत और उसकी ख्वाहिश और जवान होती है एक माल अबुल माल और तोलर और जीने की ख्वाहिश और माल की मोहब्बत इंसान के दिलो दिमाग में ये माल की मोहब्बत दाखिल कर दी गई है और अल्लाह तला इससे कहा कि गुरेज करो परहेज करो गोया कि ये इस फितने में मुबतला होने से अल्लाह ताला बचने के लिए भी कह रहा है इंसान माल के फितने में इस तरह से मुबतला है और पैर नबी वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत का ये बहुत बड़ा फितना है बहुत बड़ा फितना यही है आप वसल्लम ने फरमाया कि देखो से है के लोगो वलफरा मुझे तुम पर फाके का खौफ नहीं है कि तुम भूखे मर जाओगे मुझे तो इस बात का डर है कि तुम पर उंधेल दी जाए। के माल और दौलत तुम्हें बहुत सारे ढेर सारे मिल जाएं और तुम आपस में एक दूसरे में तनाफुज करो जैसे अगले लोगों ने किया आपस में एक दूसरे को हलाक करो जैसे अगले लोगों ने किया और तुम बर्बाद होकर रह जाओ और आज हम ये मंजर देख रहे हैं कि नबी ने फरमाया कि आखिरी जमाने में ऐसा होगा ऐसा जमाना आएगा حرام से कमाया हलाल से कमाया नहीं देखेगा बस माल चाहिए प्रॉफिट चाहिए माल चाहिए पैसा चाहिए हलाल हराम की तमीज नहीं होगी आज हम देख रहे हैं ये सब मंजर आज के दुनिया में माल का फितना कितना बड़ा और कितना अजीम फितना है इससे हम अच्छी तरह से वाकिफ है इससे हम अच्छी तरह से वाकिफ है और ये चीज ढकी छुपी नहीं है हमसे लिहाजा हर आदमी इसको जानता है कि आज माल का फितना बहुत अजीम और बहुत बड़ा फितना हो रहा है हजरात ये जो माल का फितना है माल को हासिल करने के लिए इंसान चूंकि ये शहवात का फितना है ख्वाहिश ख्वाहिश नफ्स का फितना है हलाल और हराम की तमीज नहीं करता है धोखे से गबन से गसब से छीन कर चोरी डकैती रिश्वतखोरी सीनाजोरी हराम तरीके से कमाना धोखा देकर झूठ बोल के बिजनेस के नाम पर दीन के नाम पर अल्लाह रसूल के नाम पर हज उम्रे के नाम पर दाढ़ी के नाम पर अच्छा अच्छे जुमले कहकर, कर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करीम बेजन ऐसे कह कह कर लोगों को आज धोखा दिया जा रहा है लोगों से माल ऐटा जा रहा है एटा गया है और अब हर जगह का ये बड़ा फितना बन चुका है माल 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 का फितना बैंकों में भी माल महफूज नहीं है बैंकों को लूटा जा रहा है बड़े बड़े इंटरनेशनल फकीरा क्या कर रहे हैं माल लेके भाग जा रहे हैं और हुकूमत वक्त ऐसों की पुष्ट पनाही में लगी हुई है यानी जो मालदार हैं उन्हीं के उनको और फायदा पहुंचाने की कोशिश हो रही है और जो लोग गरीब है बेचारा और परेशान होते जा रहा है हजरात आज के दौर में आज के जमाने में ये बहुत बड़ा फितना है माल का फितना जो कि सर चढ़ के बोल रहा है माल अभी ये एक बहुत बड़ा फितना है माल का फितना और माल को इस्लाम ने यह कहा कि देखो ये इंसान की बुनियादी जरूरत भी है चाहिए, चाहिए। अल्लाह के फजल को ढूंढो माल को अल्लाह का फजल भी कहा गया माल को खैर खैर भी कहा गया माल इंसान की जिंदगी के गुजारने का एक बेहतरीन जरिया है इसीलिए इस माल की हिफाजत की तालीम भी दी गई अल्लाह ने फरमाया तो और तुम अपने उस माल को उन बेवकूफों के हवाले मत करो जिन मालों पर क्याम तुम्हारी जिंदगी का दारो मदार हैं तो ऐसे माल तुम उन लोगों के हवाले मत किया करो जो बेवकूफ़ हैं बेवकूफ के हवाले मत किया करो ऐसे मालों को माल की हिफाजत माल सही तरीके से कमाना इसकी बहुत जरूरत भी है और ये माल जिसके बारे में कल रोज क्यामत सवाल भी होगा तिरमिजी की रिवायत है कि रोज क्यामत इबन आदम की कदम आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक चार या पांच के बारे में सवाल ना हो माल के ताल्लुक से दो सवाल होंगे मिन आयना इकतवा फीबा अनफक कहाँ से कमाया और कहां खर्च किया माल के ताल्लुक से ये दो सवाल होंगे दो सवाल के जवाब देने पड़ेंगे तो माल इसके जरिए से इस्लाम की बुनियादी जो अरकान हैं जैसे पांच में से दो अरकान जक़ात और हज माल के बगैर हासिल नहीं हो सकता है मालदारों के लिए ही है मालदारों से बड़ा फायदा भी हो सकता है बड़े बड़े इदारे चलते हैं दीने काम होते हैं गरीबों की हमदर्दी होती है मसाजिद कायम होती हैं बहुत सारे काम होते हैं तो माल जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये दो धारी तलवार है आहल इल्म ने लिखा है अरबी में दीनार कहा जाता है जो कि दीन और नार दो से मिला हुआ है दीन और नार यानी ये एक सिक्के के देखा जाए तो दो अलग अलग रुख हैं, यानी एक तरफ दीन भी है दूसरी तरफ नार भी है अगर इस माल का सही इस्तेमाल हो तो ये दीन है और अगर गलत इस्तेमाल हो तो ये नार है वाकई माने में अगर एक मालदार दीनदार भी हो और दिलदार भी हो उससे माशरे को बड़ा फायदा हो सकता है बड़ा फायदा हो सकता है हजरत उस्मान हजरतानी रदी अल्लाह से कितना फायदा हुआ कितना फायदा हुआ और अगर मालदार हैं लेकिन दीनदार नहीं है तो ऐसे मालदार से आग के बराबर नार के बराबर नुकसान होगा याद रखिए आज की दुनिया में आज देखो जो लोग मालदार है दीनदार नहीं है ऐसे मालदार के बेदीन और बे बदलखा, बच्चों से औलाद से कितने फितने फसाद हैं बड़े बड़े डांस क्लब हैं और क्लब हैं, बड़े बड़े जो ऐसे गलत जगहों के अड्डे हैं कौन से गरीबों से भरा हुआ है बोलो गरीब बेचारे को खाने के लिए कुछ नहीं है कौन जाते हैं यहाँ पर अड्डा देने पैसा खर्च करने वही जो मालदार हैं तो मालदारी के साथ दीनदारी दिलदारी बड़ा फायदा वाला काम है और अगर बेदीनी है तो ये वाकई मानी में नार है और इस्लाम ने ये कहा कि देखो इसका इलाज अब मैं आपको आखिर में बताऊं इलाज क्या है इस फितना फितना तो है अच्छी तरह से आज आया है हम समझते हैं उसकी मजीद वजात की जरूरत नहीं बचे कैसे इस फितने से सबसे पहली बात इस्लाम ने यह कहा कि देखो माल इंसान की बुनियादी जरूरत है इंसान के दिलो दिमाग में उसकी मोहब्बत भी दाखिल कर दी गई है लेकिन उसके ताल्लुक से यह कहा कि देखो इसकी मिसाल पानी और कश्ती की है माल समझो कि यह पानी है और कश्ती इंसान है इंसान की जिंदगी है उसका मकसद है अगर ये माल नीचे हो यानी पानी नीचे हो कश्ती ऊपर हो तो कश्ती चलेगी और नैया पार लग जाएगी मंजिल को पहुंच जाएंगे और अगर उल्टा हो जाए पानी ऊपर कश्ती नीचे तो जाहिर सी बात है कश्ती डूब जाएगी फायदा नहीं होगा यही मिसाल मेरे भाइयों हमें चाहिए कि माल को पानी की हैसियत से नीचे रखें और इंसान की आखिरत को और जिंदगी को और जो दीन है इसको कश्ती की हैसियत से ऊपर रखें मसला हल हो जाएगा इन शाह ये पहला इलाज है और उसके लिए शहवाद का ये फितना है सबर बहुत जरूरी है अपने आप को कंट्रोल करें है इस दिल को कंट्रोल करो समझाओ कि नहीं हराम तरीके से नहीं जाना है हराम माल नहीं हासिल करना है और इसीलिए ने फरमाया तुम्हारे माल और औलाद तुम्हें अल्लाह के से गाफिल ना करें और जो ऐसा करेगा बड़ा नुकसान उठाने वाला होगा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्तफा अहमद की हदीस में बेहतरीन बात कही है कहा कि दो चीजों को इसनान याكرههما इब्न आदम आदम की औलाद दो चीजों को नापसंद करती है जबकि ये दो चीजें कहा कि क्या पहली चीज अल मौत मौत को नापसंद करता है जबकि नबी ने फरमाया अल मौत खैरु লিল मोमिन मिन फितना फितने से बढ़कर मोमिन को मौत आना बेहतर है और हमने इससे पहले फितने की संगीनी में मालूम किया कि मौत की तमन्ना जायज नहीं लेकिन नबी ने कहा कि अगर फितने, अगर किसी में फितने फितने किसी में का इरादा किया है तो मुझे मौत दे दे उससे पहले और दूसरी चीज माल की किल्लत जिसको इंसान नापसंद करता है नबी ने फरमाया कि देखो वो माल की किल्लत किल्लत अकलिस माल की किल्लत ये हिसाब की किल्लत से बहुत बेहतर है कि आप हिसाब के लिए बच जाएं और नबी ने फरमाया कि कयामत के दिन गरीब लोग मालदारों से बहुत पहले पचास हज़ार साल पहले या सत्तर हज़ार साल पहले जन्नत में चले जाएंगे और ये लोग रोक दिए जाएंगे पहले पाए पाए का हिसाब चुकाओ फिर उसके बाद आगे बढ़ना है अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें हर तरह के फितने से बचाए माल के फितने से खसूसियत के साथ महफूज़ रखें आमीन व रब्बिल आलमीन